चंद्र ग्रहण रात 1:31 से होगा शुरू, सुबह 4:30 पर होगा समाप्त। महिला एवं पुरुष न करें ये काम। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज रात 1:31 पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, जो कि लगातार 3 घंटे की अवधि का होगा और सुबह 4:30 पर चंद्र ग्रहण का समापन होगा। तो चंद्र ग्रहण के दौरान महिला एवं पुरुषों को कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी गुरु पूर्णिमा को आज चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और यह ग्रहण भारत सहित विश्व के कई देशों में दिखाई देगा और इस चंद्र ग्रहण का व्यापक प्रभाव होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है उसका पिंड यानी शरीर के ऊपर अवश्यमेव प्रभाव होता है। तो यदि आप चंद्र ग्रहण से संबंधित कुछ नियमों का पालन करते हैं तो निश्चय ही आपके लिए अति उत्तम रहेगा, अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या हानि की संभावनाएं बन सकती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान सभी को विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी, विशेष करके जो घर में जो स्त्री या पुरुष होते हैं उनको सावधानी की आवश्यकता रहेगी। यानी घर में आपको जो है ग्रहण के दौरान ऐसा ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति अन्न का सेवन न करे, यानी भोजन बिल्कुल न करे इस दौरान। साथ ही यदि कोशिश करें कि सारे लोग जागृत रहे यानी जागते हुए रहे, घोर निद्रा ग्रहण के दौरान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हो सकती है। साथ ही आपको ग्रहण के दौरान भगवान का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यदि हो सके तो भगवान के पट बंद कर दे, पर्दा लगा दे और भगवान को स्पर्श बिल्कुल न करे। साथ ही पूरे परिवार के साथ बैठ करके भजन कीर्तन जाप अनुष्ठान इत्यादि आप कर सकते हैं, कोई भी गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन भजन भी कर सकते हैं। साथ ही ग्रहण के दौरान पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए, यानी शारीरिक संबंध इस दौरान बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा बहुत भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ग्रहण के दौरान इस प्रकार आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और ग्रहण समाप्त होते ही पूरे परिवार के लोग स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें, क्योंकि ग्रहण के बाद किया गया दान पुण्य अक्षय गुणा फलदायी सिद्ध होता है। तो ग्रहण के दौरान आपको ये सावधानी रखनी है। यदि आपके घर में गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, तो वो भी जो है अन्न का सेवन बिल्कुल न करें। साथ ही ग्रहण के दौरान कोई भी भारी काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पृथ्वी खोदना वर्जित माना जाता है, या फिर धारदार वस्तुओं का प्रयोग भी किसी को नहीं करना चाहिए। विशेष तौर से गर्भवती माताओं को केची, सुई धागा या फिर हसिया या फिर चाकू या अन्य कोई भी धारदार या नुकीली वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी जो है ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपके मन के ऊपर तनाव हो, क्योंकि ब्रह्मांड में चंद्रमा मन के कारक होते हैं और चंद्रमा जब राहु और केतु से पीड़ित होंगे ग्रहण की अवस्था में, ऐसे में मनुष्यों के ऊपर भी उनका व्यापक प्रभाव होगा। इसलिए आपको संभलने की जरूरत है, सावधान रहने की आवश्यकता है और साथ ही आपको नंगी आंखों से ग्रहण बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वैसे तो ग्रहण का दर्शन करना भी वर्जित माना गया है और ग्रहण के दौरान सभी को घरों के अंदर रह करके अपने इष्ट की आराधना या भजन कीर्तन पूजन आदि कर्म करते रहना चाहिए। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।